तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। क्या अब हमें छोड़कर जा रही है मैम? चुप रहो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा रही हूँ, समझ गए ना शिनचैन? अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको किसी और स्कूल में काम मिल गया? देखो शिनचैन, हमेशा इस तरह की बातें करना अच्छी बात नहीं होती। इस बात साल के छोटे बच्चे को कोई नहीं समझता। चुप हो जाओ शिनचैन, तुम ऐसी अच्छी खबर इस न्यूज पेपर में सब देख रहे हैं ना? शांत हो जाओ। तो आज के न्यूज़पेपर में जो अच्छी खबर है वो है, ये मूवी रिलीज होने वाली है। हाँ, इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है? उसे नहीं, इसे देखो। मैंने इसे कहीं देखा है, क्या ये भी मूवी में आने वाला है? ऐसी बात नहीं है, वो चैन ने कुछ कमाल की चीज ढूंढ निकाली है। क्या है वो? कितनी खुशी की बात है कि वो ने एक ऐसा स्टोन ढूंढ निकाला है जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही था। ये हिमावारी ग्रुप के लिए गर्व की बात है प्रिंसिपल सर। ये ऐसा स्टोन है जब गिरता है तो स्टोन जैसी आवाज करता है, कमाल है। वैसे भी मैं बच्चों को यही सिखाती हूँ कि जिसमें उनका इंटरेस्ट हो उन्हें वही करना चाहिए। अगर ये स्टोन की जगह कोई बढ़िया चमकती चीज ढूंढता तो ज्यादा अच्छा होता। बढ़िया और चमकती हुई, जैसे कि एक डायमंड। टीचर होते हुए इस तरह की बातें करना अच्छी बात नहीं है बात सुजाका मैम। मैंने ऐसा क्या बोल दिया? अरे अरे बस आप लोग लड़ाई शुरू मत कीजिए, ये कितनी खुशी का मौका है। इससे वो मशहूर हो जाएगा। कुछ बोले ऐसा किया है? मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा। बोले बहुत ही अच्छा काम किया। अच्छा काम तो करेगा ही, आखिर मैंने ही तो उसे ट्रेन किया है। मैं तुमसे हाथ मिला सकती हूँ? चलो सब लोग लाइन में आ जाओ, एक एक कर मिलो। कैसी बातें कर रही है रानी? वो से हाथ मिला रहे हैं। तुम लोग वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? यहाँ आकर मेरी मदद करो। सब ठीक है, तुम लाइन में क्यों खड़े हो शिनचैन? क्योंकि मैं भी बोल रही हूँ, हाथ मिलाना चाहता हूँ। खजाना बहुत लंबी लाइन है। अच्छा तो ठीक है, चलो हो गया हो गया। अरे नानी तो बिल्कुल मैनेजर की जैसे लग रही है। हेलो, हाँ बोचन। हाँ वो यहीं का स्टूडेंट है। अच्छा, टीवी प्रोग्राम के लिए? हाँ हाँ हाँ। आप स्कूल में आके उसका इंटरव्यू लेंगे? मैं अभी प्रिंसिपल सर से आपको पूछकर बताती हूँ। तुम लोगों को पता है ना वो टीवी पे आने वाला है? वो हमारा दोस्त है और अब वो फेमस हो गया है। अब हमें उसके लिए प्रमोशन करना होगा, इसलिए हमें ये सारी चीजें बनानी होंगी। ठीक है ना? विश्व के बारे में क्या ख्याल है? तुम चुप रहो। प्रोग्राम वाले दिन। अरे वाह, शुरू हो गया, शुरू हो गया। आई आई, आप सभी का स्वागत है। एंकर, क्या आप तैयार हैं? हाँ, इस वक्त मैं स्कूल के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ और अब मैं आपको स्कूल के अंदर लेकर चलती हूँ, जहाँ मैं आपको मिलवाऊंगी बोस से। अरे सारे बच्चों में शिनचैन तो नजर नहीं आ रहा। आई आई, और अब वो हमारे साथ है। हम उन्हीं से पूछते हैं कि उन्होंने ये कारनामा कैसे किया। बताइए वो। पता नहीं शिनचैन चला कहाँ गया। वो आप कुछ बता ये तो कहीं भी टाइम से नहीं पहुँचता है। बताइए आपको वो स्टोन कैसे मिला? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टोन हैं। बेटा मैं वो से बात कर रही हूँ, आप बीच में मत आइए प्लीज। वो क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको स्टोन कैसे मिला? क्या आप स्टोन दिखाएंगी? तो दोस्तों बस अपनी नजरें यहाँ से हटाइएगा मत, वो स्टोन निकालने ही वाला है। निकालिए वो। घर पे भूल गए। माफ कीजिएगा, वो स्टोन हम दिखा नहीं सकते क्योंकि ठीक है, अगर स्टोन नहीं दिखा सकते कम से कम यहाँ के स्कूल के लोगों से तो मिलवा सकते हैं। यही वो स्कूल है जहाँ वो जैसा महान बच्चा पढ़ता है जिसने एक स्टोन की खोज की। अब मैं यहाँ पर किससे बात करूँ? मैम, आप क्या मुझसे बात करेंगे? यही है हमारे बॉस। बेटा मैं इस डरावने से आदमी से बात नहीं कर सकती। कौन है ये? क्या कोई और नहीं है तुम्हारे स्कूल में जिससे मैं बात कर सकूं? मुझे तो बताया गया था कि यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स हैं और एक बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल भी हैं। ये हमारी योशिनागा मैम। हेलो मैम, कहाँ
दुनिया से सपना था टीवी पे आने का। चुप रहो। वैसे मैंने तो कुछ खास नहीं किया, पर बच्चों को जिस चीज में इंटरेस्ट होता है बस मैं उन्हें बढ़ावा देती हूँ, और इसीलिए बच्चे मुझे पसंद भी करते हैं। इस स्कूल के बच्चों की मैं फेवरेट टीचर हूँ। आपको क्या हो गया माचुजा का मैम? आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं बताइए ना। चुप रहो। ऐसा तो नहीं कि योशिनागा मैम की तरह आपका भी सपना था टीवी पे आने का? शिनचान, तुम्हें क्या बोले जा रहे हो बेटा, इस तरह से बात नहीं करते। मेरा नाम है माचुजा और यहाँ के बच्चों की मैं फेवरेट टीचर हूँ, और मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। ये क्या बोल रही है? आप तो हमेशा किसी और से खाना बनवाती है ना। मुझसे कोई क्यों कुछ नहीं पूछ रहा, मैं तो प्रिंसिपल हूँ। आप मत होइए सर, अपने आप को संभालिए। तो शर्म कीजिए, क्या बोले जा रही हैं आप? मैं टीचर से बहुत बात करती हूँ, बच्चों से बात करते हैं, यही ठीक रहेगा। बेटा मुझे पता चला है कि तुमने बो के प्रमोशन के लिए काफी तैयारियाँ की हुई है। ये देखिए, हमने बो के फेस का लंच बॉक्स भी बनाया है। हमारे पास और भी चीजें हैं, वो देखिए, बो के फेस की बहुत सारी चीजें, ये सब हमने बनाई है। और मैं ये टिश्यू बो के लिए लाया हूँ। तुम बीच में मत बोलो। बच्चे तुम्हारे ग्रुप के बच्चों से तो अच्छे ही है। क्या? वैसे भी ये इंटरव्यू मेरे ग्रुप के बच्चों के लिए है, नहीं स्कूल के सभी लोगों के लिए है। के लिए खेल है। मैंने तो सोचा था एक अच्छा प्रोग्राम शूट करूंगी, पर यहाँ पर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मेरे सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। अब मैं क्या करूँ? Good.